जैसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका माना होता है कि सबको एक कानून। तो हर एक बात पे, जहाँ तक हमारे शरीयत का सवाल है, हमारी शादी निकाह का मामला है, तलाक का मामला है, इनहेरिटेंस का मामला है, एडॉप्शन का मामला है, वसीयत का मामला है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी पर्सनल लॉ के तहत ही चलती है। और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो ये सब चीज़ें हट जाएंगे। इसके लिए हमारे को यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर पहलू से हमें नामंजूर है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये हिंदू में भी बहुत से तबके हैं, जैन हैं, मराठास हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोगों के तौर तरीके अलग अलग हैं, ये डाइवर्सिटीज बहुत हैं हिंदुस्तान में। तो ये एक कानून तो होता ही नहीं है। यहाँ 14 जून 2023 को ये 22nd लॉ कमीशन ने हर एक मुसलमानों से, हर एक जो भी सिटीजन है, सिटीजन से अपनी राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और एक महीना टाइम दिया है जो 14 जुलाई को ख़त्म होता है। तो हमें यहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्शन है, ये हम रजिस्टर कर रहे हैं और सब लोग भी इंशाल्लाह कर रहे हैं कि हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से एतराज़ है और ये हमें नामंजूर। राम मंदिर का जो उनका कैपिटल मुद्दा हुआ करता था सब इलेक्शनों में, अभी वो ख़त्म हो गया। मैं सुनने में है कि जनवरी में वो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, और बाकी कौन से मुद्दे बचे नहीं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा होगा या जो भी मुद्दे थे सब खत्म हुए हैं। यही एक मुद्दा है जिसके वजह से वो 24 का इलेक्शन लड़ना चाहिए कि अपने मजहब को बचाएं, चौकन्ना रहें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट करें। हजरात, आज शहर बेलगाम के जुमला सुन्नी मसाजिद मदारिस और तंजीमों के जिम्मेदारान की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर गौर फिक्र करने के लिए ये अहम और हंगामी इजलास तलब किया गया था। इत्तेफाक़ राय से सारे हाजिरीन और शुरका ने एक आवाज़ ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे लिए हमारा अपना पर्सनल लॉ ही काफ़ी है, हमें पर्सनल लॉ को छोड़कर किसी सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ हाजिरीन ने इस बात की वजाहत की कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी कसीर उल मजाहिब, कसीर तहजीब तमद्दुन और कल्चर के मुल्क के लिए यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड मुनासिब है भी नहीं, और यकीनन हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मुमकिन भी नहीं है, इसलिए कि ये ख़ुद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बुनियादी दफ़ात के मुखालिफ है। जिन दफ़ात में दस्तूर हिंद में हमारे मजहबी मिल्ली तहजीबी उमूर को अपनाने और उस पर अमल करने की हमें आज़ादी ही नहीं बल्कि उसकी गारंटी दी गई है, इसी बुनियाद पर इज्तिमाई तौर पर बएक आवाज़ जुमला शुरकाए इजलास शहर बेलगाम के मुख्तलिफ तंजीमों इदारों मसाजिद और समाजी कारकुनान ने एक आवाज़ से कहा कि यकीनन हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मशवरे पर यही मशवरा देंगे कि कतअन हमारे लिए एक सा सिविल कोड न हमें मंजूर है न हमारे मुल्क में उसकी ज़रूरत है। फिर मुंतजमीन ने मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान उलमाए किराम और आइम्मा से ये गुजारिश की कि हम
अपनी राय लॉ कमीशन तक कैसे पहुंचाएं, इस सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस, कुछ तरकीबें मुख्तलिफ इदारों ने हमारे सामने रखी हैं। उनमें मरकजी अदारा शरिया पटना की तरफ से हमारे लिए जो गाइडलाइंस है, और एक आसान तरीके पर हमें अपनी राय देने के लिए उन्होंने तरीका हमारे सामने रखा है, उसी की तायद करते हुए उलमा ने और जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ मसाजिद और इदारों के जिम्मेदारान से उस लिंक पर जाकर मतलूबा मालूमात फराहम करके सबमिट करने और उस पर डन करने के लिए तरीके बताए, है ना, और उसी पर जलसा दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मैं इस मौके पर गुजारिश करूंगा शहर बेलगाम के अलावा भी जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है कि आप खुद बेदार हो जाएं। ये ख्वाब नींद या गफलत का ज़माना कतअन नहीं है। हमें अपने हुकूक के लिए, हमें अपने मिल्ली और दीनी तशख्खुस की हिफाजत के लिए बहरहाल मुत्तहिद होना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। यकीनन हमारी बेदारी ही हमारी ज़िंदगी, हमारी कामयाबी के ज़मीन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत ही संजीदा और सीरियस मीटिंग जो तलब की गई थी, जिसमें हासिल यही रहा कि इदारे शरिया पटना की जानिब से जो लिंक हमें मौसूल हुई है, वो लिंक है इदारे शरिया .com, और एक स्कैनर भी हमारे पास मौजूद है जिसे मस्जिदों के सामने हम चस्पा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नौजवान अभी रात, आज रात जुमेरात की रात ही जो है उसे चस्पा करेंगे, उसके ग्रुप में भी हम उसको, तो उस स्कैनर पर और लिंक पर आप जो है अपना अपना ईमेल दर्ज करवा करके अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दें। इसके अलावा ये न्यूज़ जहां जहां जा रही है, जिस जिस इलाके में, जिस जिस गांव में, जिस जिस शहर में, वो अपने तौर पर मेहनत करें, कोशिश करें, और वहां के वो लोग जो ये नेट के सारे प्रोग्राम जानते हैं, वो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी राय लॉ कमीशन को भेजने में अगर मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इस्लाम दुश्मन अनासिर जिस तरह से हमें एक स्लो पॉइजन की तरह तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह इसका खात्मा हो जाएगा। हम अपील करते हैं तमाम ग्रुप में भी हम इसको जो है फॉरवर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे और इसको वायरल करेंगे। जहां जहां आपको मिल जाए, आप भी अपने अपने ग्रुप में इसे जो है वायरल करने की कोशिश करें। सब लोग बेदार मज़े हैं, जानते हैं कि सारी तैयारियां आने वाले इलेक्शन के लिए हो रही हैं। अभी तो जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि ये तो अभी राय का सिलसिला है, एहतजाज हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। न जाने हिंदुस्तान की हालत क्या होगी, ये राय भी ले रहे हैं। जहां तक मैं सोच रहा हूं, खुलूसी नियत की बुनियाद पर नहीं दी जा रही है ये राय, सिर्फ एक अंदाज देखा जा रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, या नहीं तो 24 के तैयारी में मुसलमान गाफिल हो जाएं, उसके लिए ऐसे मसाइल उठा करके उन्हें उसमें उलझाया जा रहा है। आप अच्छी तरह से समझ लें, ये तो राय देना लाजमी है, वरना 140 करोड़ की आबादी में राय पूछी जा रही है, दीगर और कौमें जो है इसके मुताबिक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और ना हमारे देखने में आ रही है। क्यों? उनके रस्म और रिवाज या उनके ज्योतिर्मय अंदाज जिस किसी पे भी असर पड़ेगा हो, वो उनके दीन से ताल्लुक रख, उनके ईमान से ताल्लुक रखते हैं, या वो आगे बदल भी जाएंगे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुसलमान के लिए ऐसा नहीं है। मुसलमान के लिए तमाम मामला दीन से ताल्लुक रखते हैं, ईमान से ताल्लुक रखते हैं। अगर इसमें फर्क आ गया तो हमारे दीन और ईमान में फर्क आ जाएगा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सबसे ज्यादा एहतजाज मुसलमान की ही तरफ से होगा और सबसे ज्यादा जो है भड़कने वाली कौम भी मुसलमान ही है। इसीलिए एक तो इलेक्शन का जरिया भी बनाया जा रहा है। अभी तक आप कहावत सुने होंगे
एक दिन से दो निशाने बोलकर के, मगर अब यहाँ एक दिन से कई एक निशाने लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन का मामला भी है और दीगर जो है हमारे काम हमारे शरीयत में मदाखलत भी है। और इतना ही नहीं, मुख्तसर अंदाज में मैं कहना चाहूंगा कि गहरी नजर रखने वालों ने यहां तक कहा है कि हर हाल में सील को नाफिस करेंगे ही करेंगे, करने के बाद पास कर लेंगे पार्लियामेंट में मगर नाफिस नहीं करेंगे, नाफिस करेंगे भी तो उस पर सख्ती नहीं करेंगे। ये दीगर मामले साफ चलते रहेंगे मगर इसके आड़ में उनकी निगाह जितने भी अभी मुसलमानों में इदारे शरिया कहिए या दारुल कजा कहिए या दारुल इफ्ता कहिए, और सबसे बड़ा इदारा मुसलमानों में और मुसलमानों के पुश्त बनाही में जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करना इनका मकसद है। असल हम खाली तलाक जायदाद और वरासत और निकाह ये वो मामले में हम उलझे रहेंगे और उस वक्त सख्ती नहीं करेंगे। हाँ, तुम अपने हिसाब से करते जाओ, तुम्हारे मजहब पे अगर रखना पड़ रहा है और मजहब में मुदाखलत हो रही, इस्लाम में मुदाखलत हो रही है, इसके तहत वो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर उनका टारगेट कहाँ है, पूरे बड़े बड़े शरई इदारों को खत्म कर देंगे, बड़े बड़े औकाफ की जायदादों पर तो इतनी कड़ी नजर है जिसकी कोई हद नहीं है। किसी भी तरह से वो वक्त खत्म करके जो है ये कानून के तहत, इंसान सिविल कोड के कानून के तहत ये तमाम इदारों को खत्म करना चाहिए। तो एक तरफा नहीं है ये, जो है कि यहूदी प्लान है ये, और यहूदी प्लान कभी एक साइड या एक एंगल से एक तरफा नहीं होता, चौतरफा होता है। तो लिहाजा अब भी अगर मुसलमान बेदार नहीं होंगे, अपनी बेदारी का सबूत नहीं देंगे, तो हम तो समझ रहे हैं ये दो तीन चीजों में मुदाखलत होगी, जो है निकाह तलाक वगैरह ये मामले विरासत वगैरह में ये होंगे। ऐसा नहीं है, पूरा बोरिया बिस्तर गोल करने का जो है ये प्लान तैयार हो चुका है, याद रखिए। लिहाजा और वो भी मुख्तसर आप अंदाजा कीजिए, 30% मुसलमान है हिंदुस्तान में, तेरा अलग दिखाई जा रही है, 18% है, 20% है, 15% है, अगर सही तेदाद में देखा जाए तो 30 से 35% मुसलमान है हिंदुस्तान में, और उतने सारे मुसलमानों के लिए एक महीने की मोहलत राय इजहार के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इससे एक बहाना है, मगर उसके बावजूद भी जो है हमें अनथक कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा, अभी देखिए आप 14 जून को जो है लॉ कमीशन ने ऐलान किया और राय पूछी और जो है पब्लिक सर्कुलर जारी किया, और आज जो है सिर्फ 7 दिन बाकी है 14 जुलाई आने को। अभी तक आम मुसलमानों से पूछिए आप राय दही के बारे में, कई एक लोगों को पता भी नहीं है, इतनी गफलत में है हम लोग, इतनी जो है खाते गफलत में पड़े हुए हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम और दीगर जो है बेदार नफ्ज़ और नमाज़े कौम हज़रात जो है मेहनत और मशक्कत करके कौम को बेदार करने में लगे हुए हैं, अगर ये 7 दिनों में भी जो है अगर कोशिश हो जाए तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नतीजा उसका निकल सकता है। लिहाजा आप हर तरह से कोशिश करें और जो कुछ भी जो है अपनी राय पेश करने का जो तरीका बयान किया गया है वो तरीके को अपना करके जो है आप जो है इस काम को पाए तकमील पर पहुंचाए, एक बात। और दूसरी बात, ये अभी राय पूछी जा रही है, उसके बाद उसका मसौदा तैयार होगा, डॉक्यूमेंट तैयार होंगे सारे होंगे, उसके बाद 24 का इलेक्शन होने के बाद अगर खुदा ना करे ये लोग अगर जीत करके आ गए, उसके बाद किसी के नहीं सुनने वाले, याद रखो। ये कोशिशों के साथ साथ हमारी अपनी कोशिश क्या होनी चाहिए, अब सारे हिंदुस्तान में पिछले इलेक्शन के वक्त जैसा कर्नाटक एक मिसाल बन गया है, इस मिसाल को पूरे हिंदुस्तान लेवल पे मुसलमान दोहराना चाहिए। अगर वो हुकूमत में आए ही नहीं, मेजॉरिटी में आए ही नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है नहीं आधी कमर टूट जाएगी और ये जहां का वहां मामला थम जाएगा। इतने पे ही इक्तफा करके मत बैठे। हाँ, हमने अपने राय दे दिए,
हम किसी भी तरह से दीवानी शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहते और दीवानी कॉमन सिविल कोड हमें नहीं चाहिए, हमें मंजूर नहीं है। इतना कह करके, इतनी राय दे करके हम अपना हक अदा कर दिया कौम का, ये समझ करके अगर हम बैठ गए, नहीं, आने वाले इलेक्शन तक अपने दीवानी दिमागों को बेदाग रखें। हर शख्स अपने मुकाम पर, अपनी जगह पर कोशिश करे कि फिसाई ताकतें जो है जीत करके ना आए आने वाले इलेक्शन में। अगर उसमें भी अगर हम कामयाब हो गए तो ये हमारा राय देना या इसके बाद जो कुछ भी हमारी कोशिश है सारी की सारी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना ने हमदुलिल्लाह। इस जज्बे को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मस्जिद कमेटी के सदर मोहतरम अलहाज से गुजारिश है कि वो सामने तशरीफ लाएं और मुफ्ती साहब से जरा मुलाकात कर लें। हाजरीन जल्दी आए इसलिए कि अभी मुफ्ती साहब को खड़ा होना है। हाजरीन मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे आगा सर से कि वो चाहते थे कि कुछ अपना मैसेज दें लेकिन वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है और चूँकि 8:45 अजान और 9 बजे जमात थी वही बात इनकी हो रही है। तो हमारे जो गेस्ट हैं एडवोकेट शेख सर, इनका ताल्लुक मुख्तसर करवा करके मुफ्ती साहब जो है उनके उन्हें माइक देंगे। मैं मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शेख एडवोकेट सर का ताल्लुक फरमाएं। मगरिब के बाद से एक इंतहाई संजीदा और हसास संगीन मसले के मुख्तलिफ पहलू पे आप खुतबा उलमा की कीमती बातें समाप्त फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में बगैर किसी तैयारी या किसी कमेटी और तंजीम के बस चंद बच्चों को लेकर कल रात हम बैठे इदारे में, हमारे साथ चंद दो तीन अहबाब उलमा थे और फिर आनंद फानंद ये प्रोग्राम तैयार हुआ और आलम यह था कि जुमात से पहले पहले हमें ये मैसेज और पैगाम आपको देना था। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं थी कि शहरी लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर कहने का इंतजाम करें। आनंद फानंद रात के 11:30-12 बजे तक जहाँ तक हो सका हमने और हमारे साथ चंद मुतहरिक फ़ाल नौजवानों ने मुख्तलिफ मस्जिदों मदरसों तंजीमों के जिम्मेदारान से रबता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात तशरीफ़ लाए। चंद बातें आपके सामने मैं रखूँगा लेकिन एक मामला इसका ताल्लुक चूँकि कानून लॉ से है और जाहिर है कि हर मैदान के कुछ लोग होते हैं। अरबी का मकूला है लिल इल्म रिजालुन वलिस सनीद रिजाल, कुछ लोग इल्म के लिए हैं कुछ लोग सनीद के लिए हैं, है ना। यकीनन ये मसला भी इतना आम है कि किसी हद तक लोग आज उलमा अवाम ये जिम्मेदारान यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं शहर बेलगाम के मुख्तलिफ तंजीमों जमातों इदारों के सब के सब जिम्मेदारान हैं, बहुत हद तक इन मसाइल से आगाह और वाकिफ हैं। लेकिन कानूनी तौर पर हमने चाहा कि कानून के एक माहिर से ही इस ताल्लुक से कानूनी मालूमात हासिल की जाए। मेरी निगाह शहर बेलगाम की एक इंतहाई बावकार इल्मी अदबी और कानूनी शख्सियत पर गई। मेरी मुराद है डॉक्टर एस बी शेख साहब एडवोकेट हाई कोर्ट जो हमारे बेलगाम के इंतहाई बावकार सीनियर एडवोकेट हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप हजरात कितने किस हद तक इनके बारे में वाकिफ हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना एक मरतबा के धारवाड़ हाईकोर्ट के जस्टिस से तालिबन चीफ जस्टिस से ये सुना, उन्होंने मेरे सामने बार काउंसिल ऑफ बेलगाम को इसलिए मुबारकबाद पेश की कि आपके दरमियान एक ऐसा एडवोकेट है कि जिनकी करीब 1.5 दर्जन किताबें पूरी लॉ की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में देखी पढ़ी समझी और कोर्ट की जा रही, आपको मालूम है ना। और करीब आज 1.5 दर्जन जखीम से जखीम लॉ और कानून पर इनकी किताबें मुख्तलिफ लॉ के मुख्तलिफ पहलू पर है और उसी का एतराफ़ करते हुए बेलगाम वालों ने एतराफ़ किया या नहीं किया लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया भर की
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने उनको उनकी किताबों पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल एजाजी डिग्री है ना। और आज दुनिया के करीब 4 यूनिवर्सिटियों के आलमी लेवल की यूनिवर्सिटियों के उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हमारा बेलगाम का एक सबूत हमारे दरमियान मौजूद है। ऐसे यकीनन कौम को यकीनन अच्छे लॉयर की जरूरत है ना, यकीनन जरूरत है IAS IPS की, अच्छे सर्जन और डॉक्टरों की जरूरत है। और आज के दौर में जब हर चीज कानून के नजरिया से इस मौके पर तो बहुत जरूरी हो गया है, हमारे कौम अच्छे से अच्छे लॉयर एडवोकेट्स और डॉक्टर और कानून के माहिरीन पैदा करें। बहरहाल हमारे दरमियान इस तरह के हमारे कौम के सबूत मौजूद हैं, इस पर हमें फख्र है। और इस संगीन मसले पर UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड पर के कानूनी पहलू पर आपके सामने हमारे सामने वजाहत करने के लिए हमने दावत दी है। हमारी दावत पे आप तशरीफ लाए, यकीनन इन लोगों का वक्त बड़ा कीमती है और ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह के घर में मौजूद हैं। शायद आपकी जिंदगी का ये कीमती वक्त भी खुदा की बारगाह में आपको जरूर अजर अजीम देगा है ना। एक अजीम मसले के लिए आप यहाँ पर हमारे दरमियान आए हैं। मैं दावत दूंगा डॉक्टर जनाब मोहतरम एडवोकेट SB शेख साहब से के तशरीफ लाए और यूनिफॉर्म के कानूनी एतबार से मुख्तलिफ पहलू से हमें आगाह फरमाए। अभी तक जो आपने सुना है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये मेरे कोई साथी ने ये भी बताया कि लॉ कमीशन 14 जून को सबकी राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये 22nd लॉ कमीशन है जो अभी राय मांगी है। इसके पहले 2016 में भी 21st लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का एक तैयारी कर चुकी थी, वहां भी राय मांगे गए थी। लेकिन 2018 में उन्होंने 165 पेज का रिपोर्ट दिया मोदी गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पे बन नहीं सकता सबकी राय लेने के बाद। पता नहीं ये 14 जून 2023 में ये उसके बाद का लॉ कमीशन, ये 22वां लॉ कमीशन है जो दोबारा यूनिफॉर्म सिविल कोड में नाम डाल रही है और हम सबसे राय मांग रहे हैं। इसमें एक सवाल है जो हमको सोचने में मजबूर करता है कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोला जा रहा है, ड्राफ्ट नहीं, हकीकत में वो क्या लाना चाहते हैं ये सामने रखें, कुछ भी नहीं है हमारे सामने, कुछ भी है नहीं। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसा होगा। हाँ एक है, हमारे मुल्क में जैसे हमारे कोई साथी ने बताया आर्टिकल 25 भी उन्होंने बता दिया, मुझे शॉक लगा कि यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कानून की इतनी जानकारी रखते हैं कि इनको आर्टिकल का नंबर तक याद है। तो सोच रहा था कि मेरी वैसी जरूरत है ही नहीं यहां पे, ये सब लोग जानते हैं कानून को। आर्टिकल 25 जो है मजहब के लिए एक ये देता है, अपना अपना मजहब आजादी देता है। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कानून का नुमाइंदे होने के नाते, वो आजादी तो है, आप नोट करें, गारंटी देता है वो आर्टिकल, गारंटी देता है, वो फंडामेंटल राइट है और दैट इज गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू प्रोफेस द रिलीजन हैज बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड यूज्ड इज गारंटीड, इसकी गारंटी दी
आजादी तो है ही, उसकी गारंटी है। दूसरी बात, आर्टिकल 26 है, 27 है, 28 है, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो मजहबी आपकी जो भी चीजें हैं, यानी निकाह है, तलाक है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है, जो भी है, इसको प्रिजर्व भी किया जाए। प्रिजर्व मतलब क्या, इसको महफूज भी रखा जाए, इसकी भी गारंटी है कानून में। वही आगे के आर्टिकल्स जब हम देखेंगे तो उसको महफूज अल्फाज उसकी भी गारंटी है, हिफाजत की भी गारंटी है, गारंटी महफूज करना, महफूज रखने की भी गारंटी है। और सुनते सुनते आर्टिकल 44 का भी जिक्र किया एक भाई साहब ने। अच्छा, मैं एक बात थोड़ा उसमें ये करना चाहता हूं, आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुने कि ये आर्टिकल 44 जो है ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं आता। फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म होता है आर्टिकल 31 को, उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ कोई अगर कानून के स्टूडेंट्स हो या जानकार हो तो उनको पता चलेगा कि वो एक अलग चैप्टर है, अलग क्या बोलते हैं चैप्टर को, ये जो बात सबक है जिसका हेडिंग है, जिसका हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके तहत आर्टिकल 44 आता है। और एक बात याद से सुने कि जो भी आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर के दायरे में आते हैं ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं होते, कोर्ट के दायरे के बाहर हैं। ये भी सुने इंग्रा आर्टिकल 44 जो है। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने, अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान उन्होंने इसको जद्दोजहद से, लड़ाई झगड़े से इसको फंडामेंटल राइट से हटा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नीचे लाया, ताकि हम सब महफूज रहे, हमारा मजहब महफूज रहे। ये हुई कानून की बात। रही बात हम राय देने की, राय तो एक ही है कि ना मंजूर, दूसरी राय तो हो ही नहीं सकती, ये तो मंजूर होने वाली बात है ही नहीं, ये होगा भी नहीं। खैर वो बात और है। अभी जहां तक मोदी गवर्नमेंट की बात है, राम जन्मभूमि का मसला उन्होंने उठाया, खत्म हो गया। वो त्रिपल तलाक का मामला उठाया, वो खत्म हो गया। और वो भी बातें मैंने सुना उनसे कि 24 के इलेक्शन में इनके पास मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उठा लिया, दूसरा कुछ है नहीं इनके पास अभी लड़ने के लिए। और दूसरी बात, ड्राफ्ट तो है नहीं जैसे मैंने पहले बताया। अरे तुम क्या लाना चाहते हो वो तो दिखाओ, फिर हम बोलेंगे क्या मंजूर है ना मंजूर है, उसमें है क्या, कुछ है भी नहीं। अरे वहां चूहा था ही नहीं, आप में खड़े हो गए। अरे पहले चूहे को देखो तो सही, है या नहीं, किसी ने कह दिया चूहा है, वो खड़े हो गए, है ही नहीं वो, है ही नहीं। तो ये ड्राफ्ट तो है ही नहीं भाइयों मेरे, ये सिर्फ एक हवा में बात छोड़ी गई है। हम भी हवा में बात छोड़ रहे हैं कि हमारे हमें ना मंजूर है, लेकिन एक बात है, जैसे मेरे बड़े भाइयों ने बोल दिया है कि हमको ऐसे ही नहीं बैठना है, हमको चौकन्ने रहना है, हमें हर हाल में हमारी आंखें खुली रखनी है,
हर एक बात को गौर से करीब से देखना है। जब उन्होंने ये बात उठा रहे हैं तो ये बात को भी हम काटेंगे, ड्राफ्ट तो देखा जाएगा जब आएगा। जब उन्होंने राय मांगी है तो राय हर एक मुसलमान देगा, और बोल रहे थे कि अभी 8 दिन बाकी हैं, हमारे लिए एक रात भी काफी है। सब सब एक होना चाहिए, एक यूनाइटेड होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ये तो नामंजूर की बात है, ये तो देना ही है। और हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे सब पटवेकर साहब हैं, हमारे कॉर्पोरेटर साहब तो मुझे दिखे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो सब है यहाँ पे, तो एक ही करना है कि हमें ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना है। उसके लिए एक मुफ्ती साहब एक ये भी व्हाट्सएप भी भेजे हैं, उसमें एक तरीका भी है ये कैसे बार कोड वगैरह वगैरह वगैरह। आज सुबह एक मैं एक बात बता के आपको मेरा मेरी तकरीर मुकम्मल करूंगा। आखिर में सुबह मुस्लिम लॉ बोर्ड की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, मैं बहुत बारीक नजर से उसको देख रहा था। यहाँ वहां पे भी ऐसे ही बहस चल रही थी, शायद यहाँ पे उससे ज्यादा जानकारी है जो मुस्लिम लॉ बोर्ड में, शायद मुझे कम लगी आज। यहाँ पे सुनते सुनते ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों को ये जो उलमा है, ये जो भी जानकार है, इनको वहां भेजे ताकि कुछ वहां पे कुछ काम बने हकीकत में। तो दूसरी बात, कपिल सिब्बल साहब की इंटरव्यू चल रही थी टीवी पे, किसी ने इंटरव्यू ले रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही। मैं एक 5 मिनट के लिए देखा तो उसमें उन्होंने एक ऐसी बात उठाई कि उन्होंने कहा कि 1972 में गोलवालकर एमएस गोलवालकर ये आरएसएस के चीफ रह चुके हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, जो वो प्रूफ भी दिखा रहे थे टीवी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन आप उठाएंगे सब्जेक्ट को, वहां से पूरे मुल्क का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वो पॉइंट से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये किसने कहा है? मोदी साहब जहां से ताल्लुक रखते हैं, मोदी साहब जहां परवरिश पाए, मोदी साहब जहां से पढ़ाई करे, मोदी साहब जहां अपनी तरबियत, अपना सब कुछ जहां से उन्होंने पाया, वो आरएसएस के गुरुजी बोल रहे हैं कि जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठाएंगे, वहां से नेशन का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये उनके गुरुजी कहे हैं, ऐसे कपिल सिब्बल ने बताया। बोलने दो मोदी साहब को कि बाबा वो आरएसएस को नहीं मानते या उनके गुरुजी को नहीं मानते, फिर देख लेते। बोलने दो उनको, जो जो इदारे से वो ताल्लुक रखते हैं उसके चीफ ये बात कही है, उनको बोलने दो, उसे नामंजूर है, उनके उनके गुरु को नहीं मानते करके बोलने दो। देखो तो ये बातें ऐसी हैं कि हमको चौकन्ना रहना चाहिए, हमारा मजहब को हर हाल में बचाना चाहिए, और हमें ऑब्जेक्शंस को देना चाहिए। और जब कभी मसला कानून का हो, हमारे मजहब का हो, हमारे कौम का हो, मुझे कभी भी रात को बुलाइएगा, 2 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ये कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामी वकार बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जिस अकीदत और एतमाद के साथ हमने मेहमान के तौर पर इंतहाई कानूनी माहिर शख्सियत डॉक्टर एस बी शेख साहब एडवोकेट हाई कोर्ट को दावत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कानून का हक अदा कर दिया।
और इससे बेहतर कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा हमारे लिए और ज्यादा क्या हो सकता है। आखिर में चंद बातें मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। हजरा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से आपने उसकी तारीख समाप्त फरमा ली। मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ जमानों में यूसीसी के ताल्लुक से हुकूमत हिंद और लॉ कमीशन की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का जिक्र समाप्त फरमाए तो फिर दोबारा यकीनन 2024 का इलेक्शन सर पे है। ऐसे मौके पर लॉ कमीशन की राय मांगना और एक मुर्दे को उखाड़ देना और उस पर फिर पूरी दुनिया की बहस शुरू हो जाना यकीनन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर लॉ कमीशन ने राय मांगी है, अगर राय बराए राय, जाहिर है कि राय इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से तो नहीं, हिंदुओं से है, क्रिश्चियनों से है, एससी एसटी से है, जैनियों से है, पारसियों से है, और फिर हिंदुओं में भी हजारों फिरके जिनकी तहजीब अलग, कल्चर अलग, शादी ब्याह के रस्म रिवाज अलग, मौत मिट्टी के तरीके अलग 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 है ना, लिंगायतों के अलग, मराठों के अलग, ब्राह्मणों के अलग, हर एक, और फिर पूरी दुनिया हिंदुस्तान में हमारे बाजू गोवा में चले जाइए, है ना, यहां शादी ब्याह के कानून अलग हैं, कर्नाटक में अलग, वहां भी हिंदू बसते हैं, और जरा उत्तर पूर्व की तरफ चले जाइए, मणिपुर है ना, और मिजोरम वगैरह की तरफ चले जाइए, तो वहां हर एक स्टेट का तौर तरीका अलग अलग है, और बाजाबता हुकूमत और दस्तूर हिंद में उनके भी तहजीब तमद्दुन कल्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई है, वो कानून के मुताबिक ही अपने रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। अब जाहिर है हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ रंगो नस्ल, मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ तमद्दुन, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ कल्चर वाला मुल्क है इतने, और बताया जाता है हिंदुस्तान और भारत की खूबसूरती इसी में है कि एक मिसल एक गुलिस्तान और बाग के है जिसमें कुछ जूही भी हैं, लाला भी हैं, गुलाब भी हैं, मुख्तलिफ अलग अलग रंगों खुशबुओं है ना, और तौर तरीके के फूल हैं, इसी का नाम गुलाब है। और बुजुर्गों ने कहा है अगर सिर्फ गुलाब ही गुलाब हो उसको गुलाब वाड़ी तो कहा जा सकता है, गुलिस्ता नहीं कहा जा सकता, जूही ही जूही हो उसको जूही गा तो कहा जा सकता है, गुलिस्ता नहीं कहा जा सकता। तो पता चला हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है, मुख्तलिफ तहजीब कल्चर जबान रंगो नस्ल के लोग यहाँ पर बाकी बसते हैं, और ये जब तक बाकी रहेंगे हिंदुस्तान एक गुलिस्ता बना रहेगा। अब जाहिर है सबको मुत्तहिद करके, अब हमारे शादी ब्याह के रस्म रिवाज अलग है, तलाक के रस्म रिवाज अलग है, हमारे लिए वरासत के कानून वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है ना। मुतवन्ना जो इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले कवानीन क्या है, शादी, तलाक, इद्दत, वरासत, तवन्ना, मुतवन्ना है ना। तो इस तरह के अहम कुछ कवानीन है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी उत्तराखंड का ड्राफ्ट के एक मॉडल सामने आया है ना वकील साहब, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान नेशनल गवर्नमेंट ने कोई ड्राफ्ट तो नहीं दिया है, अलबत्ता इससे पहले इनके मोदी की बहुत चहेती गवर्नमेंट उत्तराखंड की थावी सरकार ने एक ड्राफ्ट पेश किया है ना, और उसमें ये सारी बातें हैं जिनका जिक्र मैंने किया। साथ साथ यकीनन इद्दत का ताल्लुक कुरान से, विरासत का ताल्लुक कुरान से है, शादी ब्याह का ताल्लुक कुरानी अहकाम से है, किसी को गोद लेना ये इस्लामी अहकाम अपनी जगह पर है ना, इसके लिए हमारा कुरानी हिदायत मौजूद है,
अब ये मोदी गवर्नमेंट चाहती है इन सब को खत्म कर। अगर उत्तराखंड के उसने जो इसका मॉडल पेश किया है अगर उसको सामने रखा जाए तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए इस्लामी तरीके पर, हमारे निकाह शादी भी इस्लामी तरीके पर, हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कफन दफन कब्र तक इस्लामी तरीके पर होता है। हमारे यहाँ इबादत अलग और जिंदगी के आईनी मसाइल अलग नहीं है। हमारा दावा है इस्लाम एक मुकम्मल कानूनी मुकम्मल कानून है, मुकम्मल तो तूरे हयात है, कानून जिंदगी कानून फितरत है। और हमारा दावा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यकीनन अल्लामा काफी मुरादाबादी ने अंग्रेजों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया, अखीर वक्त में पैगाम दिया था कि कोई कुल बाकी रहेगा न जमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई टपके चहचहे है, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अतलसों कम खाब के पोशाक पे नाजा ना हो, इस तरह बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हजरत मैं बता देना चाहता हूँ यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से हमारी राय मांगी गई है। अगर राय बराए राय है तो फिर भोपाल में मोदी को ये कहना नहीं चाहिए था कि एक घर दो कानून से नहीं चलता है तो फिर दो कानून से पूरा मुल्क कैसे चलेगा। मोदी का ये बयान करना ये बताता है सिर्फ ये राय मांगना दिखावा के लिए, सही है ना? वरना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इस तरह की राय रखे। यकीनन इससे जाहिर है कि सिर्फ ये दिखावा के तौर पर है। हम बाज़ाब्ता यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों जिम्मेदार तंजीमों के इदारों के जिम्मेदार मौजूद हैं। हम यकीनन एक आवाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। हाथ उठाकर अपनी मुखालफत अपने तौर पर कीजिए। हम सब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफ है। हमारे लिए हमारा पर्सनल ला, हमारे लिए हमारा पर्सनल ला है। जैसा कि हाफिज नज़रुल्लाह साहब ने कहा कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नहीं, यकीनन इनकी नजर हमारे मदारिस पर है ना, हमारी मसाजिद पर है, हमारे मुस्लिम पर्सनल ला पर है ना, हमारे यकीनन वक्फ बोर्ड पर है, यानी हमारे दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा पर इनकी पूरी निगाह है। इसके जरिए इस्लामी तशक्कुस को हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ये मिटा देना चाहते हैं, ये खत्म कर देना चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान की तारीख है, बताया गया कि 700 साल मुसलमानों की हुकूमत, 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत, कभी भी पर्सनल्ला को खत्म नहीं किया गया, लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। बहरहाल हम इस बिल की क्या करते हैं, हम इस मुसवदे की मजम्मत करते हैं। अब मजम्मत करने के साथ अब राय मांगी गई है, आप राय कैसे दें? हर आदमी टीवी से मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सही है ना? हर आदमी को इस बात का एहसास है ना कि राय मांगी गई है, हमें मुखालफत करनी चाहिए। अब हम सोचते रहे हमारा एक के नहीं देने से क्या होगा, ये तो दे रहे। नजीर भाई भी सोचते रहे मेरे नहीं देने से क्या हुआ, है ना? सैयद सरवर साहब को दे रहे, सैयद सरवर साहब सोचते रहे मेरे नहीं देने से क्या हुआ, है ना? इकबाल भाई को दे रहे हैं ना, ये पूरी कौम अगर यही सोचती रही फिर नतीजा क्या होगा, है ना? वैसे भी आप माइनॉरिटी में, और आपको मालूम होना चाहिए आपका दुश्मन इस मामले में बहुत होशियार बीजेपी का, है ना? आईटी से आप सुने ही है कि कितना मुतहरिक है ना, आरएसएस के यकीनन कितने करोड़ मेंबर हैं। आप खामोश बैठे रहेंगे, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, दूसरे कौमों के लोग जब उस सिलसिले में, उनको सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं है कि लॉ कमीशन के यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत है, उनको इतना मतलब है कि उससे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है ना। मैं भी जानता हूं इसमें भलाई किसी की भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ में देखकर उनको मसाते हैं ना, किसी बुनियाद पर वहां में हाँ मिलाते हैं। हालांकि ना उन्होंने डरा फड़ी न समझा, लेकिन मोदी जो कुछ कर रही है, क्या कर रहा है मोदी, सही कर रहा है मोदी हुकूमत के हर एक कदम की वताइत करते हैं। इसी बुनियाद पर आज मुझे इस तफसीलात के लिए मैं आपको नहीं बुलाया,
आपको क्यों इकट्ठा किया हूं? सिर्फ आप एहसास करें है ना कि हम हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, एक मुसलमान होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है ना कि लॉ कमीशन को अपनी राय दे है ना कि हम लॉ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या करते हैं मुखालफत करते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप कैसे राय दें इंफरादी तौर पर? हर आदमी लॉ कमीशन को लेटर तो नहीं लिखेगा। तो हमारे बुजुर्गों ने हमारे उलमा ने हमारी तंजीमों के लोगों ने इस सिलसिले में बड़ी आसानियां कर दी है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो या आले इदारा शरिया है ना, वो हिंदुस्तान लेवल पे इन्होंने बड़ी आसानी कर दी है हमारे लिए। कि मैं यही बताना चाहता हूँ, बहरहाल अभी हमने इदारा शरिया ही के उस लिंक को मुख्तलिफ कापियों में ये अभी तंजीम के जिम्मेदार को जमातों के दिया जाएगा, आप इसको अपनी मस्जिदों में ले जाएंगे, मस्जिद में ले जाएंगे, मस्जिद के दीवार पे आप इसको चिपका करें, मस्जिद के दीवार है ना गेट में इसको चिपकाएंगे। और मैं इमामों से गुजारिश करूंगा कि आप इसको कल जुमा में सामने भी चिपकाइए एक कॉपी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के पास आज मोबाइल है ना, मोबाइल है, मोबाइल पे जाइए और मोबाइल पे जाने के बाद ये जो आपको लिंक दिया गया है ना, इस लिंक पे ऑन कीजिए, फौरन वो लिंक खुलने के बाद आप उसमें सिर्फ नाम मोबाइल नंबर और शहर का पता पूछा गया है, वो दबा भरने के बाद आप उसको क्लिक कर दीजिए, डन कर दीजिए है ना, अब डन का बटन आप दबा दीजिए, ये आपका एहतजाज डायरेक्ट लॉ कमीशन तक पहुंच जाएगा। हम लोग सब कर सकते हैं ये काम, हर एक के पास मोबाइल है, अगर बुजुर्गों को नहीं आता बच्चों को खूब आता है, बल्कि मैं चाहूंगा हर जमात के लोग हर आबादी के अंदर कुछ मुतहरिक नौजवान बच्चे होते हैं है ना, उन बच्चों को इस काम में लगाइए कि कल हमारे सारे मौलाना लोग इमाम लोग अपनी जुमा में इसी को उनवान बनाए, इसी पर तकरीर करें और अपने सामने कम से कम 50-100 मोबाइल है ना उनके सामने बताइए ये लिंक है छोटा सा है ना HTTPS वगैरह जो कुछ है ना हमारे सामने मोबाइल पे, उसको करने के बाद लिंक कराइए, फौरन लिंक क्या आता है आपका नाम आपका शहर आपका पिन कोड और उसके बाद डन कर दीजिए, बस इतना ही छोटा सा काम है ना। सबसे आसान लैंग्वेज भी है उर्दू इंग्लिश हिंदी, हाँ तीनों जबान में आप पढ़ लीजिए उसको, आपको उर्दू आती है उर्दू है ना, हिंदी आती है हिंदी, इंग्लिश आती है इंग्लिश, आप उनको पढ़ लीजिए और उसके बाद बहरहाल इदारा शरिया की तरफ से ये तैयार किया गया है, कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह की तरफ से भी इसी तरह के ये तैयार किए गए हैं, आप उस पर जाने के बाद आप लिख करें, ये आसान रास्ता है, उसके अलावा कोई ऐसा रास्ता है ना, ये करेंगे हम सारी जमात वाले स्कैनर भी दिए हैं, स्कैनर में भी जा सकते हैं, आपने स्कैन किया तो उसमें भी डिटेल आती है और डिटेल भरने के बाद आप क्या कर दीजिए है ना, लिंक वाला भी आसान है ना। और ये दूसरी चीज के मुख्तलिफ ग्रुप में ये लिंक मौजूद है, आप जितने लोग हैं अलग अलग तंजीमों में आपको पहुंच रहा है तंजीम उलमा अहले सुन्नत या दूसरी तंजीम, हर एक को हर आदमी अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए कि 10-10 पर्सनल पे हम क्या करेंगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, हाँ ग्रुप में भी और हमारे वो मुतालिकीन अहबाब जो लोग हैं उनको पिक कीजिए, उनको एक फोन करके, बेकार की चीजों में रात रात दिन दिन भर हम मोबाइल लेके ले बैठे रहते हैं, ये कौमी काम है ना, एक हमारे वजूद और तशख्स के बचाने का की जिम्मेदारी है, लिहाजा हम सारे लोग मिलकर इस काम को अंजाम देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह है ना। कल इस वक्त मैं 100 कॉपी मंगाया हूँ, ये मस्जिद के जिम्मेदार लोग ये चीज हासिल कर लेंगे भी, और हो सके तो इसको और जल्द कर लीजिए है ना। अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल दरियावी साहब साबिक MP इस काम को अंजाम दे रहे हैं पूरे मुल्क में है ना, और जी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बा के तहत इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से उन्होंने गुफ्तगू भी की, इनकी राय भी ली, इनकी सलाह भी लिया इस सिलसिले में, और डॉक्टर साहब ने भी खुद इसको वकील साहब ने देखा है कि मुकम्मल जवाब क्या है वो दुरुस्त है, लिहाजा इस तरह से आता है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। देखा दी गई है, इदारा शरिया की वेबसाइट है, आप जाने के बाद इस तरह से फॉर्म आता है और ये लास्ट में सबमिट डन,
बस उतना ही था। तीन चीजें, एक नाम, एक शहर, मोबाइल नंबर और पिन कोड, ये चार चीजें फॉर्म में है, उसके बाद डन। बस यही एक मकसद था कि हर एक जमात याद रखिए, कुल लोगों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल लोगों में राय व कुल लोगों मसूल मन रैयत ही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी जिम्मेदार है और हर एक से उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आदमी जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी होती है। हमारे अलहाज अकबर बागपत साहब बड़ी मस्जिद के सदर है ना, सीरत कमेटी के सदर है, उनकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी, समझे कि नहीं। हाँ, हमारे नजीर भाई न्यू गांधीनगर जैसे रियासत के सदर है, उसके रियासत के सदर है, तो उनकी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी है। आप बहुत से काम आप करते हैं, क्यों अपनी तरफ से आप 10 बच्चों को फिट नहीं कर सकते, 10 लड़कों को, 5 लड़कों को तैयार कीजिए कि आपकी आबादी में जिन जिन के पास मोबाइल है हर एक की तरफ से कल जुमा के दिन ये काम होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अगर सारी फोटो मस्जिद के जिम्मेदार मौजूद है, अनगुल के मुख्तलिफ मसाजिद के, पाशीबाग मस्जिद के, शहर की सारी बड़ी मस्जिदों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है ना, और अपने मातहत की छोटी छोटी तंजीमें हैं उनको लेकर काम कीजिए, यकीनन ये काम आसानी के साथ बेलगाम से हजारों की तादाद में हमारी मुखालफत में हमारा जवाब जा सकता है। अगर ये हमने कर लिया तो समझिए एहतियात हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश हमारी तरफ से कामयाब करना या नाकाम वो अल्लाह के साथ पर है, लेकिन कोशिश बहरहाल हमें करनी है। और याद रखिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, क्या होगा जो और सबके साथ होगा मेरे साथ होगा। मैं एक हदीस पर अपनी बात खत्म करूंगा, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में एक हदीस नकल की है, कुछ लोग हैं अच्छा भला काम तो करते हैं लेकिन दूसरों को हुक्म नहीं देते, बुराइयों खुद बुराइयों से बचते हैं, दूसरों को बुराइयों से रोकते नहीं हैं। तो उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया एक कश्ती है ना जिसकी दो मंजिल है, कुछ लोग ऊपर सवार हैं, कुछ लोग नीचे हैं, समुंदर पे सफर कर रहे हैं, पानी का इंतजाम ऊपर है, नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ती है, बार बार ऊपर जाते हैं। उनमें एक दीवाना और पागल था, उसने कहा हमारा सफर कहाँ है, पानी के ऊपर, ये बार बार पानी के लिए ऊपर क्यों जाना, क्यों हम यहाँ बैठे बैठे पानी हासिल नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा सुराख इस कश्ती में कर देते हैं। चुनांचे अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये दीवाना और पागल है जो कश्ती में सुराख कर रहा है, ये बड़े बड़े अकलमंद लोग देख रहे थे, हम तो ऊपर बैठे थे जनाब, नीचे वाले गर्क होंगे, हमारा क्या होगा, हम तो महफूज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पानी कश्ती में आया, अब सिर्फ वो बेवकूफ नहीं गर्क होगा, अकलमंदों को भी समुद्र अपने पेट में लेके जाएगा। इसी बुनियाद पर हमारी आपकी पूरी कौम एक एक फर्द की जिम्मेदारी है, सिर्फ सदर साहब की जिम्मेदारी, मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी, मौलाना और मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी, कॉर्पोरेटर साहब की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये मसला पूरी कौम का है, एक एक फर्द का है ना, पूरी कौम का है। इसी बुनियाद पर कौम के एक एक फर्द को इस सिलसिले में उठ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही कहूंगा अल्लामा डॉक्टर इकबाल की ज़बान में, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ये हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इसी बुनियाद पर अगर अपना वजूद चाहते हो, तशख्खुस मजहबी शियार को बचाना चाहते हो, मस्जिदों खानकाहों दरगाहों कब्रिस्तानों को अगर बचाना चाहते हो, आज बेदार हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मुत्तहिद होकर एक होकर इन दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ सिमन सीना सफर होकर खड़े हो जाओ, यकीनन खुदा की हिमायत नुसरत और मदद जरूर आपके आपकी दस्तगीरी करेगी। अल्लाह पाक हमें और आपको कामयाब फरमाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज इस मीटिंग का मकसद क्या है, सभी लोगों ने आपको आगाह किया है कि आने वाले दिनों में क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हमारे शेख साहब वकील ने उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आर्टिकल 25 के बाद 31 खत्म होता है, 44 आर्टिकल क्या है। इसी तरह से ये
जो मीटिंग बुलाई गई थी माली मोहल्ला मस्जिद में बुलाई गई, इसी वजह से वहाँ प्रोग्राम ना होते हुए न्यू गांधीनगर में हमारे जमात वालों को और हमें मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया कि जगह चेंज करके न्यू गांधीनगर की जा रही है, तो फौरन हमने जमात वालों से एक मीटिंग ली और बात की और फौरन यहाँ पे इसका इंतज़ाम किया गया। तो मैं और हमारे जिम्मेदार खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमारे से काम है। कोशिश हमारी रहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले से लेकर के जो कुछ मुफ्ती साहब ने और वकील साहब ने बताया वो जमात के जिम्मेदार और जहाँ नौजवान बैठे हुए हैं और इदारे के जिम्मेदार वो पूरी कोशिश करें कि अपने अपने मोहल्ले जितने दोस्त बिरादर और रिश्तेदार हैं उन तक अब कुछ एक घंटा अगर वक्त निकालेंगे आप तो आपके रिश्तेदार और दोस्तों को आप बता सकते हैं, आपके साथ रोज मिलने जुलने वालों को लेकर के खड़े होते हैं, खड़े होते हैं तो उनको लेकर के मोबाइल लेते हो आप खुद ही कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी का काम है, आप भरपूर जिम्मेदारी से काम कीजिए और मैं उम्मीद कराम और वकील साहब का और जमात वालों का और इधर वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस दावत को इस मजलिस को कामयाब करने के लिए हमें साथ दिया, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आसान होगी इदारे शरिया का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं और